एक सफल वकील बनने के लिए आपको अपने रीडिंग, राइटिंग, डिस्कशन और थिंकिंग स्किल बेहतर करनी पड़ेगी। ये गुरु मंत्र श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के उद्घाटन अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे के माहेश्वरी ने स्टूडेंट्स को दिए और नए लॉ कॉलेज के लिए भावी एडवोकेट्स को शुभकामनाएं भी प्रदान की। शनिवार शाम अरबिंदो परिसर के पीसी तिवारी ऑडिटोरियम में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी ने कहा कि कोविड के दौर में हमें इस सच से रूबरू करा दिया है कि आधुनिक तकनीक हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। इसीलिए जहां तक हो सके खुद को अपडेट करते रहें और नित्य निरंतर कुछ नया सीखते रहें। हाल ही में शुरू हुए सुप्रीम कोर्ट से लाइव प्रसारित होने वाली सुनवाई जरूर सुने। इसके साथ ही उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा कि दूसरे की आंखों के आंसू अपनी आंखों में महसूस करने वाला शख्स ही अच्छा वकील बन सकता है। तो जब आप उसमें वर्क करने जाते हो, मैं काफी जगह गया, देखा मैंने लोक अदालत में और इन सब में, तो मुझे चार लाइनें उसमें बड़ी अच्छी लगती हैं जो इस प्रोफेशन की जड़ है, जिसको मैंने महसूस किया आज तक। दर्द ही दर्द भर गया दिल में, इतना एहसास करा दिया गम ने, जब भी गिरा किसी आंख से आंसू अपनी आंखों में ले लिया आपने। इस प्रोफेशन के लिए जिस दिन ये फीलिंग आपकी इस एजुकेशन के बाद आ जाएगी, तो ये प्रोफेशन जो आप कर रहे हैं उसमें सार्थकता आ जाएगी। और जब ये प्रोफेशन किसी मेडिकल कॉलेज के कोलैबोरेशन में, ऐसा इंस्टीट्यूट जहां मेडिकल कॉलेज भी हो और लीगल भी हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर प्रोडक्ट कहीं नहीं हो सकते। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही प्रोडक्ट हमारे इंदौर शहर में आवे। कार्यक्रम में मेहनत, लगन और ईमानदारी का गुरु मंत्र सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा ने भी दिया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान श्री अरबिंदो संस्थान ने इन्हीं तीनों गुणों के बूते हजारों मरीजों की ऐसी सेवा की जो मिसाल बन गई। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीएस कोकजे, द इंडियन लॉ ऑफ इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. मंजूश्री भंडारी ने लॉ कॉलेज की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, तो वहीं प्रतिकुलाधिपति डॉ. महक भंडारी ने संस्थान की शुरुआत से लेकर यूनिवर्सिटी के विजन और मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर फाउंडर चेयरमैन डॉ. विनोद भंडारी, प्रति कुलाधिपति डॉ. मोहित भंडारी, कुलपति डॉ. ज्योति बिंदल, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, जस्टिस अमरनाथ केसरवानी, जस्टिस सुभाष काकड़े, जस्टिस जेके जैन, जस्टिस एके गोयल, जस्टिस सुबोध जैन, सुरेश भदौरिया, मुन्नालाल यादव, डॉ. छपरवाल, अनिल धूपर समेत अन्य गणमान्य अतिथि, विधि विशेषज्ञ, डॉक्टर, फैकल्टीज और स्टूडेंट्स उपस्थित थे। आभार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के निदेशक राजीव जैन ने माना, तो वहीं संचालन कैलाश व्यास ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।